उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। निठारी हत्याकांड, एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसका खुलासा होते ही देश भर में हलचल मच गई थी। नोएडा के निठारी में कोठी नंबर D5 में इंसान के रूप में ऐसा हैवान थे जो बच्चों को जान से मार कर उन्हें खा जाते थे। दोस्तों, फिलहाल एक फिल्म आई है विक्रांत मासे की, सेक्टर 36, जो कि निठारी हत्याकांड के ऊपर आधारित है। तो हम आज इस वीडियो में इस फिल्म की रियल घटना के बारे में जानने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 31 के पास स्थित उस छोटे से गांव निठारी में, जहां मासूम बच्चों की चीख पुकार आज भी उभर आती है, करोड़पति मुनिंदर सिंह पंडेल की कोठी नंबर D5 में इंसान के रूप में रह रहे हैवानों को कौन भूल सकता है। क्योंकि इन हैवानों ने एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बल्कि 20 से 25 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी में दफन कर दिया। इस कोठी में रहने वाले नर पिशाचों ने इस गांव में रहने वाले भोले भाले बच्चों को फुसला कर अपने पास बुलाया और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उन्हें मारकर लाशों के टुकड़े टुकड़े करके नालों में फेंक दिए। क्या क्या नहीं किया इस कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंडेल और नौकर सुरेंद्र कोली ने। मासूम बच्चों को अपनी कोठी में ले जाकर उनके साथ कुकर्म करने के बाद उनका गला घोंटकर हत्या की जाती थी। इतने से इनका पेट नहीं भरता था तो इनकी लाशों के टुकड़े करके कुछ को खा जाते थे ये लोग, या फिर कुछ को नाले में फेंक देते थे। ये सिलसिला करीब 1.5 साल तक चलता है, लेकिन किसी को इस कोठी और इनमें रहने वाले हैवानों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। लेकिन दिसंबर 2006 में एक लापता लड़की की जाँच में पता चला कि इस लापता लड़की की हत्या इस कोठी में करी गई है। और बाद में जब पुलिस ने में जांच करी तो एक के बाद एक मामले खुलते गए और एक नहीं बल्कि दर्जनों से ज्यादा बच्चों की हत्या के मामले सामने आए, और इसी कोठी में कई सारे बच्चों के कंकाल भी मिले थे। सीबीआई के जांच के दौरान उनको छोटे छोटे बच्चों के शरीर के कुछ हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नालों में फेंक दिया गया था। कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंडेल और नौकर सुरेंद्र कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मुनिंदर सिंह पंडेल की कोठी रिक्शा से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने को कहा। काफी टाइम तक वो कोठी से बाहर नहीं आई तो रिक्शा वाले ने कोठी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर उसे वो पायल नाम की लड़की नहीं दिखी। तो रिक्शा वाले ने पूछा कि वो लड़की कहां गई, तो सुरेंद्र ने कहा कि पायल तो यहां से कब की चली गई है। तो रिक्शा वाले ने कहा कि वो कब से बाहर खड़ा है, उसने उस लड़की को देखा ही नहीं है। तो सुरेंद्र ने कहा है कि नहीं भाई, वो लड़की कब से यहां से निकल चुकी है। ये बात रिक्शा वाले ने पायल के घर वालों को बता दी। उसके बाद पायल के पिता ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी नंबर D5 से गायब हो गई है। पुलिस ने काफी गहराई से छानबीन शुरू कर दी थी। पायल के पास एक फोन था जो घटना के बाद ही स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस उस फोन की डिटेल्स निकाली तो सारे सुराग पुलिस को मिल चुके थे। इसी आधार पर पुलिस ने कोठी पर छापा मारा तो कोठी में रह रहे नर पिशाचों का काला सच बाहर आ चुका था। पुलिस ने मालिक और उसके नौकर को अरेस्ट कर लिया था। नौकर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि कोठी पर उसका मालिक जो मुनिंदर सिंह पंडेल था, वो कई बार कॉल गर्ल्स को बुलाता था और उनके साथ कुकर्म भी करता था। इस घटना को लेकर मुनिंदर सिंह पंडेल और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मुनिंदर सिंह पंडेल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्दोष बरी कर दिया गया था और सुरेंद्र कोहली पर अभी भी केस चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये निठारी हत्याकांड जो है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस मुनिंदर सिंह पंडेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।